हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी टिप्स एंड रेसिपीज। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक और प्रोडक्ट रिव्यू, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि इस प्रोडक्ट को यूज करके आप किस तरह से अपने अंडरआर्म्स को लाइटन कर सकते हैं, किस तरह से अपने अंडरआर्म्स को ब्राइटन कर सकते हैं, और अगर आपको बैड स्मेल की प्रॉब्लम है तो वो भी इसे यूज करने के बाद चली जाएगी। तो आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये है क्योरा ब्रांड की तरफ से और ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है। इसे मैंने 4-5 मंथ से यूज करना स्टार्ट किया था। आप जैसा कि पैकेजिंग को देखकर पता लगा ही सकते हैं, काफी टाइम हो चुका है मुझे यूज करते हुए, और जब भी आप इसे यूज करते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको इसके मिलते हैं। फर्स्ट यूज में ही आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पर पूरी तरह से बताने वाली हूँ कि किस तरह से आपको इसे अप्लाई करना है और इस प्रोडक्ट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो आप बाहर से इसकी पैकेजिंग देख ही सकते हैं, कुछ इस तरह से टब फॉर्म में आपको ये मिलता है इसका जो पैकेट है, और यहाँ पर सारी डिटेल्स भी आपको मिल जाती है बॉटल के ऊपर, आप देख सकते हैं। और मैं यहाँ पर इसे 5-6 मंथ से यूज कर रही हूँ। इसे मैं वीक में 2-3 बार यूज कर लेती हूँ, तो ये काफी अच्छा प्रोडक्ट मुझे लगा है और मैं इसको और भी ट्राई करना चाहूंगी, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो हमेशा मुझे अच्छे ही मिले हैं। और मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगी कि आप एक बार इसे ट्राई करके जरूर देखिए। अब मैं आपको इसका अंदर से टेक्सचर भी दिखा दूंगी कि आपको इसका टेक्सचर कैसा मिलता है, और आप देख सकते हैं कि जो पैकेजिंग है वो काफी सेफ एंड सिक्योर है इसकी। तो ये देखिए, मैं काफी इसे यूज कर चुकी हूँ और इसका जो कलर है वो आप देख सकते हैं, ग्रे कलर में आपको मिलता है। अब मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। थोड़ा सा आपको ये स्क्रब फॉर्म में मिलता है ताकि जो आपके अंडर आर्म्स हैं उन्हें आप अच्छे से एक्सफोलिएट कर सके। तो अब आपको इसे अप्लाई किस तरह से करना है, इस तरह से बस आपको अपने अंडर आर्म्स पे लगाकर इसे 1-2 मिनट के लिए अच्छे से सर्कुलर मोशन में इसे स्क्रब करते जाना है। इसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो आपके अंडर आर्म्स को काफी अच्छे से एक्सफोलिएट कर देंगे, जिसकी वजह से आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो भी कम हो जाएगी, प्लस आपके जो डेड स्किन है वो भी क्लीन हो जाएगी। अगर आपके डार्क अंडर आर्म्स हैं तो वो भी काफी अच्छे से ठीक हो जाएंगे और आपको बैड स्मेल की भी प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं रहेगी। तो बस इसी तरह से इसे यूज करना है। वीक में 2-3 बार आप जब इसे यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, और फर्स्ट यूज में ही इसके जो अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे वो आपको काफी पसंद आने वाले हैं। तो ये देखिए, बस 5 मिनट इसे मैंने रखा है, उसके बाद अच्छे से वॉश कर लिया, तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे रिजल्ट्स इसके मिले हैं मुझे। इस तरह से बस आपको इसे यूज करना है, और इसके बाद आप यहाँ अपने अंडर आर्म्स पर कोई भी मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं ताकि आपकी जो स्किन है वो बहुत ही ज्यादा ड्राई फील ना हो, क्योंकि जो हमारी अंडर आर्म्स की स्किन है वो काफी ज्यादा डेलिकेट होती है। तो बस इस तरह से आपको इसे यूज करना है। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर देना, इससे आपको मेरे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।